अंबेडकर ने तो सिर्फ चमारा चमारा खतर कर रखा है। जो ये बात बोलते हैं कि अंबेडकर ने सिर्फ चमारा खतर करके भारतीय संविधान जाके पढ़ो और हिंदू कोड बिल जाके पढ़ो कि मेरा जन्म चमार समाज में चमार वंश में हुआ है। और समय था जब गुरु रविदास ने बोला था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन कौन छोट बड़ सब सम बसे रविदास रहे पर्सन, लेकिन ये बात कोई बताता ही नहीं है, मंदिरों तक सीमित कर दिया। देखिए जैसे कि आपको पता है कि चमार रेजिमेंट का जो अनावरण है वीड फार्म जो तहसील हांसी है वहाँ पर किया गया था, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। उसी बीच है जो ऑनरेबल पर्सनैलिटी है मुस्कान महरा जी है, जो बुलंद एक आवाज़ है और मुखरता से अपनी जो आवाज़ को है जो पेश करती है स्टेज पे, तो बात करते हैं उनसे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आज आप यहाँ पर पहुँचे, कैसा प्राउड फील कर रहे हो? बहुत अच्छा। और सबसे प्राउडली तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा जन्म चमार समाज में चमार वंश में हुआ है। और हमारे जो वंशज थे उन्होंने जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें फतेह हासिल की थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर में हाँ जी, सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमारे जो सैनिक थे, हमारे जो चमार रेजिमेंट के सैनिक थे, उन्होंने फतेह हासिल की थी। और इसलिए मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं चमार हूँ। जो आपने अच्छा चश्मा लगाया, अच्छे आप कपड़े पहन रहे हैं और तमाम है जो इस समाज के, एक टाइम वो था इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, बिल्कुल, इनको अच्छा पहनने का, अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं था, नहीं था। देखिए इस परिवर्तन को आप क्या किसको क्रेडिट दोगे और क्या इसके कहोगे? एक किसी एक पर्सन को हम क्रेडिट नहीं दे सकते हैं। गुरु रविदास जी से शुरू होकर, तथागत बुद्ध से शुरू होकर और बाबा साहब मान्यवर साहब कांशीराम तक परिवर्तन हुए हैं। सभी ने अपने अपने दौर में अपना अपना कार्य किया है। गुरु रविदास जी ने मतलब राज की बात की है, लेकिन कोई बताता ही नहीं है। गुरु रविदास को सिर्फ मंदिरों तक सीमित कर दिया है। एक समय था जब गुरु रविदास ने बोला था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन कौन छोट बड़ सब सम बसे रविदास रहे पर्सन, लेकिन ये बात कोई बताता ही नहीं है, मंदिरों तक सीमित कर दिया। देखिए गुरु रविदास ने अपने समय में काम किया, महामना ज्योतिबा फूले ने, माता सावित्री बाई फूले ने शिक्षा के लिए काम किया, उन्होंने अपने समय पे काम किया। अगर माता सावित्री बाई फूले और महामना ज्योतिबा फूले ना होते तो शायद ही आज हम स्कूल में पहुंच पाते। उसके बाद बाबा साहब ने, माता रमाबाई ने, अगर माता रमाबाई त्याग ना करती तो हमें शायद बाबा साहब इतना कर ही नहीं पाते। तो उसके बाद मान्यवर साहब कांशीराम जी हैं, मान्यवर साहब कांशीराम जी ने BSP DS4 और बामसेफ इनका संगठन बनाया, मान्यवर साहब कांशीराम ने स्थापना की, हमारे लोगों को एक किया। बाबा साहब को मान्यवर साहब कांशीराम ने दोबारा से जिंदा किया। अगर मान्यवर साहब कांशीराम ना होते तो बाबा साहब और गुरु रविदास, अन्य जितने भी महापुरुष हैं उनके बारे में हमें पता ही नहीं लगता। तो देखिए किसी एक को हम क्रेडिट नहीं दे सकते कि इन्होंने काम किया है, सभी ने अपने अपने दौर में अपने अपने लिए काम, हमारे समाज के लिए काम किया है। एक क्वेश्चन मेरा आपसे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने सभी महिलाओं को जो उद्धार करने के लिए है, जो हिंदू कोड बिल लेके आए थे और भी तमाम चीज़ें उन्होंने की थी, लेकिन पर्टिकुलर मतलब कि एक चमार जाति से ही एक ऐसी समाज से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को जोड़ दिया गया है, मतलब काम तो सभी महिलाओं के, सभी प्रति महिलाओं के लिए। बाबा साहब ने सभी समाज के लिए, जितनी महिलाएं हैं, हिंदू कोड बिल लागू होने से पहले सभी महिलाएं सिर्फ अपने घरों तक सीमित थी, सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित थी, सती प्रथा थी। और अब आज के टाइम पे है, देखो पहले क्या था, एक ही काम करते थे महिला और पुरुष। अगर किसी भी दिहाड़ी पे, जैसे दिहाड़ी पे जा रहे हैं तो पुरुष को ज़्यादा और महिला को कम तनख्वाह मिलती थी। लेकिन आज के टाइम पे जब से बाबा साहब ने संविधान लागू किया और हिंदू कोड बिल तैयार किया बाबा साहब ने, उसके बाद अगर सरकारी पोस्ट पे कोई भी पुरुष आता है, कोई भी महिला आती है, अगर जैसे पुलिस में है एक महिला लग गई एक पुरुष लग गया तो सेम तनख्वाह होगी उनकी, किसी की इतनी औकात नहीं है कि महिला को कम तनख्वाह दे दे वो। तो बाबा साहब ने सभी महिलाओं के लिए काम किया, तो कहने की बात है कि अंबेडकर ने तो सिर्फ चमारा चमारा खतर कर रखा है। जो ये बात बोलते हैं कि अंबेडकर ने सिर्फ चमारा खतर करके भारतीय संविधान जाके पढ़ो और हिंदू कोड बिल जाके पढ़ो। ये आपकी टीम है? हाँ जी, मेरी। और आपके पिताजी? अंकल जी। अच्छा, आपके अंकल जी हैं, टीम से बात कर रहे हैं। शुभ नाम? कौन सा एक्ट किया था आपने? हमने डांस एक्ट किया। डांस का एक्ट किया था, क्या चल रहा है ये आपको पता है? चमार। क्या आपका शुभ नाम? शाबिर। शाबिर, यस। आपने जो एक्ट किया है यहाँ पर, अच्छा एक्ट था, होगा, आई अप्रिशिएटेड। ये चल क्या रहा आपको पता है? यहाँ पे जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में यहाँ पे भारत के चमार रेजिमेंट संगठन बनाया था, तो वहाँ पे उन्होंने बाहर जाकर लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने जीत हासिल की थी, तो वो थे रेजिमेंट चमार, उन्होंने आज उनके सम्मान के लिए ये प्रोग्राम किया था। क्या बोलिएगा आपने, सही बताया इन्फॉर्मेशन। मेरा नाम ऋषि है जी। जय भीम आप सभी को।
जय भीम सर, नमो बुद्धाय। हाँ जी, क्या चल रहा है ये आपको कुछ? यहाँ पे चमार रेजिमेंट का स्मारक चल रहा है, जहाँ पे जितने भी जो चमारों के वो रेजिमेंट के जिन्होंने इसमें भाग लिया था, जो उन वंशज हैं उनके जो परिवार वाले, उनको सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है। तो भाई मैं फिर आपको आज अवगत करा देता हूँ। ये मुस्कान मेहरा जी एक बुलंद आवाज़ है हरियाणा की, और सोशल जो फोक भी आप करते हो ना सॉन्ग्स, फोक भी गाने करते हैं, बड़ी बुलंद आवाज़ है। और उभर एक बात और, अभी मेरा एक सॉन्ग आने वाला है टोर बाबू की, जो हर लड़की को, हर जितनी भी लड़कियां हैं, जरूरी नहीं है कि वो चमारे हो, लेकिन चमारे हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन कोई भी लड़की हो सुने जरूर, और अपने पेरेंट्स को वो गीत सुनाए। बड़ा जोश भरा गीत है, मैंने अपने फादर साहब के लिए, मेरे अंकल जी के लिए, और जितने भी पिता सभी के लिए वो गीत गाया, और जल्दी वो रिलीज़ होगा। पोस्टर आ चुका है, मेरे इंस्टा पे है, फेसबुक पे है वो पोस्टर, इट्स मुस्कान मेहरा मेरी FB है, और मुस्कान मेहरा 03 मेरी इंस्टा है, तो वहाँ पे जाके देखिए और पोस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जल्दी ही वो सॉन्ग आपके बीच में आएगा टोर बाबू की। मेरा मुस्कान मेहरा ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है, जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने अभी अभी गुरु रविदास जयंती पे ही चैनल लॉन्च किया था, अपना पहला गीत अभी आया था, और आप सभी के प्यार से, आप सभी के सहयोग से मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है, सभी को थैंक यू। और जितने साथी देख रहे हैं सभी सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर उसे आप फेसबुक पे भी है क्या? फेसबुक पे तो उस पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और गाना आ रहा है टोर बाबू की, वो जरूर देखना भाई, बहुत जल्दी उसको रिलीज कर दिया जाएगा। चमार जो रेजिमेंट का स्मारक अनावरण है वो यहाँ पर है, जो बिल्ड फार्म है, हांसी तहसील में ये आता है, डिस्ट्रिक्ट हिसार है, यहाँ पर किया गया। अब तो प्रोग्राम समाप्त हो चुका है जी, कुछ लेनी हो। ठीक है।